नमस्कार दोस्तों, इस कला शिविर में आज दूसरा दिन है और मैं दीपू कुमार अपनी कलाकृति को लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। कल मैंने आप लोगों के समक्ष टिकुली पेंटिंग का थोड़ा सा इतिहास बताया था। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इसको कैसे बनाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि पुरानी वाली टिकुली कला कैसी दिखती थी। आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये उस जमाने की टिकुली कला है जो रानियां लोग इस्तेमाल में लाती थी, जो छोटे छोटे आकार में होता था और माथे पे उसको सजाया जाता था। लेकिन अभी के टाइम में इस तरह की टिकुली पेंटिंग बन रही है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह की। और ये सब बनाने की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं जो हमारे दिमाग में है, और उस डिज़ाइन को फिर आगे प्रोसेस में डालते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पेंसिल से मैंने डिज़ाइन बनाया है। इसमें मैंने कोरोना वॉरियर को सम्मान देने के लिए इस तरह की कलाकृति, इस तरह की डिज़ाइन मैंने बनाई है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो कोरोना वॉरियर है, हम लोगों को एक भगवान की तरह, जैसे कृष्ण भगवान प्रजा की रक्षा के लिए अपनी कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, उसी प्रकार हमारे कोरोना वॉरियर जो है अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें मैंने दिखाया है कि कोरोना वॉरियर बहुत सारे लोग हैं, जैसे सफाई कर्मी हैं, अपनी जान की परवाह किए हुए सारी गंदगी को हटाते हैं। हमारे डॉक्टर हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोग की सेवा में लगे हैं। जो हम लोग के गार्जियन हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोग की देखभाल करते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक डिज़ाइन को मैंने बनाया है और उसको मैं स्प्लेट के ऊपर इस हार्डबोर्ड की जो प्लेट है इसके ऊपर मैं ट्रेस करूंगा। आप देख पा रहे होंगे ये हार्डबोर्ड कल भी मैं दिखाया था, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर तीन प्रकार से ट्रेसिंग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिज़ाइन के पीछे ये जो चौक है इसको घिसकर और ये इस पर लगाकर ट्रेस करते हैं। उससे भी नहीं तो ये इसके ऊपर कार्बन रखकर, इस तरह का मार्केट में बहुत सारा कार्बन आता है, वाइट कार्बन, कार्बन को इसके ऊपर रख देते हैं और फिर डिज़ाइन को ऊपर रखकर इसके ऊपर पेन से, अगर पेन का रिफिल खाली हो, जो पेन चलता नहीं हो, उससे ट्रेसिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है, डिज़ाइन ख़राब नहीं होती है। अगर आप इस डिज़ाइन को ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो इसका ट्रेसिंग पेपर, एक ट्रेसिंग पेपर आती है, उस ट्रेसिंग पेपर को उसके ऊपर ट्रेस करके तब उसको छाप सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन तैयार करूँगा, आप देख सकते हैं कि कैसे डिज़ाइन तैयार होता है। आइए दोस्तों, अब हम डिज़ाइन को बनते हुए आप एक एक लाइन देखेंगे, आप जरूर देखें।
डिज़ाइन तैयार हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये डिज़ाइन बनने के बाद अब हम इसके ऊपर ट्रेस करेंगे। आप देखे होंगे इसको कई तरह से ट्रेस कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट चौक से ही इसको बना दिया है। अगर आप पहली बार टिकली आर्ट को बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट चौक से ना बनाएं, अपने डिज़ाइन को कार्बन के द्वारा इसके ऊपर ट्रेस कर सकते हैं दोस्तों। मैंने डायरेक्ट बना दिया, आप भी डायरेक्ट बना सकते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप भी उसी तरह कुशलतापूर्वक आप डायरेक्ट इस पर ट्रेस कर सकते हैं फ्री हैंड, जैसा कि मैंने किया। अब ये डिज़ाइन बोर्ड पर आने के बाद अब हम पेंट, जो कि दरवाजे पे जो पेंट होता है एनामल पेंट, उसको खोलेंगे और खोलने के बाद यूज करने से पहले उसको अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि अंदर पेंट के ऊपर हल्का सा पानी जैसा उस पर चलाया रहता है, जिसके कारण आपको पेंट करने में कठिनाई हो सकती है। इसको चलाने के बाद आप अपने कलर प्लेट पे, कोई भी कलर प्लेट अगर हो तो ले सकते हैं, उसमें निकाल लेते हैं। पेंट निकलने के बाद जहाँ जहाँ डबल लाइन है इसमें देख सकते हैं, जहाँ भी डबल लाइन होगा वहाँ वहाँ पे वाइट कलर से, सबसे पहले वाइट इसमें हम करेंगे, जहाँ जहाँ डबल लाइन है केवल वहाँ पे वाइट करते हैं दोस्तों।
ये देखिए मित्रों, मैंने इसमें वाइट कलर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट था, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, मैंने वाइट कलर से इसको कर दिया। पहले वाइट कलर करेंगे, उसके बाद जो जगह बचा था दूसरे कलर को करने के लिए मैंने येलो कर दिया। अब क्या है कि इसको जब तक ये वाइट कलर सूखेगा नहीं, हम दूसरा कलर कर नहीं सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर अभी अगर कर देंगे तो कलर मेल्ट होने का डर रहता है, क्योंकि एनामेल पेंट को सूखने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए अब इसके आगे का जो वर्क है वो हम कल करेंगे, ताकि ये जो है अच्छी तरह से सूख जाए। इसलिए मैंने दूसरा कलर और किया नहीं है। ये येलो कलर के लिए जगह बचा हुआ था, इसलिए मैंने येलो कलर कर दिया। आप देख सकते हैं मित्रों, अब इसके बाद जो कल इसमें और भी कलर, सारी कलर जो है वो कल भरकर हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें दोस्तों। ये दो कलर हो गया है, कल इसमें बाकी का जो कलर है वो फील होगा। ये एकदम कलरफुल इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। अभी इसमें सिर्फ पहला कलर मैंने डाला है, सिर्फ वाइट कलर, और इसके आगे का इस ये सूख जाने के बाद तब इसमें और सारी कलर भरेंगे। जितने भी कलर की ज़रूरत इसमें होगी वो कलर भरेंगे, उसके बाद फिर ब्लैक लाइनिंग करेंगे, उसके बाद फिर डेकोरेशन करेंगे। इसी तरह आगे भी एक एक लाइन, एक एक बारीक बारीक लाइन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।